जिला परामर्शदात्री समिति एवं जिला स्तरीय पुनरीक्षण समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में सीडीओ ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिए हैं कि वे शासकीय योजनाओं से संबंधित पत्रावलियों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण सुनिश्चित करें, अनावश्यक पत्रावलियों को लंबित न रखे जाए। सीडीओ ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार सभी पात्र कृषकों को केसीसी से संतृप्त किया जाना है, इसलिए बैंकर्स आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण करते हुए सभी पात्र कृषकों को संतृप्त करना सुनिश्चित करें। बैठक में विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी तथा बैंकर्स मौजूद रहे। कार्यसूची संख्या 2 वार्षिक ऋण योजना 2019-20 वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत त्रैमासिक 2019 की समापन 25,916 लाख के सापेक्ष रुपया 1,79,605,48.17% जिसका क्षेत्रवार विवरण पूर्व त्रैमासिक 2018 में तुलनात्मक विवरण निम्न हुआ। सभी बैंक प्रतिनिधियों से अनुरोध है वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी विशेष ध्यान देकर अनुवाद वर्षों के साथ प्रश्न प्राप्त करने का प्रयास करें। एमपी सेक्रेटरी साहब जब आए थे तो उन्होंने जो लोन है उसके बारे में उन्होंने चिंता जताई थी कि बैंक जो है वो लोन एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमारे आरबीआई और नाबार्ड से भी बैठे हैं। आप लोग इसको कमेंट कीजिए कि कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है और क्या उसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये एजेंडा है, एजेंडा ही प्रॉपर नहीं बना है। उसका एजेंडा जो आइटम लिखे 14 एजेंडा आइटम और उसकी जुड़ाव कर सकते हैं। इसका एजेंडा है और दूसरा इसको हम लोग कार्यक्रम में ले लेते हैं। आप कभी बात नहीं करता 30 जून को क्या जितना प्रायोरिटी सेक्टर है ये बता नहीं पा रहे हैं कि जो 42.17 की जो ये पोजीशन बता रहे हैं ये एसीपी की पोजीशन है, एनुअल क्रेडिट प्लान की, प्रायोरिटी सेक्टर की इसमें फिगर नहीं है। सर कितना है हमारा जो है 40% होना चाहिए मिनिमम, अगर और इस समय कितना है ये बताइए एडीएम साहब, और कुछ आपको जानकारी दे दो। 981 लाख होना चाहिए था सर, जिसमें 74,109। नहीं नहीं सर, आप सर 2,38,981 लाख का था, इसमें 74,109 लाख जो है 21% है।